हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामा के जहां आवर फीमेल लीड हैज़ ए सुपर पावर ऑफ डिटेक्ट लाई, और इस ड्रामा का नेम है माय लवली लायर। जितना इंटरेस्टिंग नेम है इस ड्रामा का, उतनी ही यूनिक इसकी स्टोरी भी है। ड्रामा की बात करूँ तो ये एक ऑन गोइंग ड्रामा है जिसमें टोटल 16 एपिसोड है, जिसमें से 4 एपिसोड ऑलरेडी वेबसाइट या विकी ऐप में अवेलेबल है विद द इंग्लिश सबटाइटल। और एवरी मंडे और ट्यूसडे दे रिलीज न्यू एपिसोड, एंड 19 सितंबर इस ड्रामा का लास्ट रिलीजिंग डेट है। और मैंने ऑल 4 एपिसोड देख लिए हैं, उसी के बेस में ये आज का रिव्यू वीडियो होने वाला है। सो स्टिक अराउंड टू नो व्हाट इज न्यू इन दिस ड्रामा। लेट्स स्टार्ट विद ब्रीफ स्टोरी ऑफ द ड्रामा। लाइक आई सेड, इस ड्रामा की स्टोरी यूजुअल के ड्रामा की स्टोरी से थोड़ी सी अलग है। इन दिस ड्रामा आवर फीमेल लीड नेम इज मोक्सुही। सी हैज़ ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड सुपर नेचुरल एबिलिटी वेयर सी इज एबल टू हेयर अदर पीपल लाइज। लाइक कोई कितना भी अपने झूठ को छुपाने की कोशिश करे, वो उस झूठ को तुरंत पकड़ लेती है। लेकिन इसी सुपर पावर की वजह से वो अकेली है, उसके मॉम डैड भी उसके साथ रहते नहीं है, और इन्हीं वजहों से सी नो लॉन्गर हैज़ एनी फेथ इन अदर पीपल। एंड लाइफ की इन सब सिचुएशन से डील करने के लिए आवर फीमेल लीड इस सुपर पावर एबिलिटी को एज अ असेट यूज़ करती है और बन जाती है लाई डिटेक्टर। एंड नाउ सी इज़ अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। अब बात करते हैं हमारे मेल लीड की। ही इज़ ए सक्सेसफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर नेम किम दुहा, जिसके ऊपर मर्डर के आरोप है। मर्डर चार्ज की वजह से आवर मेल लीड सबसे छुप के रहता है और अपने फेस कभी नहीं रिवील करता। हर टाइम मास्क या गॉगल से अपना फेस को हाइड करके रखता है। ओनली पर्सन जिसको हमारे मेल लीड का सीक्रेट पता है, वो है उसका बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ ऑल्सो अ प्रोड्यूसर ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी के लिए किम दुहा सॉन्ग कंपोज करता है। एंड हिज फ्रेंड ऑल्सो हेल्पिंग हिम टू स्टे अवे फ्रॉम द मीडिया एंड गिविंग हिम हिज फुल सपोर्ट टू हाइड। बट एवरीथिंग चेंज व्हेन किम दुहा शिफ्टेड टू न्यू प्लेस ड्यू टू सम रीजन, एंड द प्लेस इज नेक्स्ट डोर टू मोक्सुही। एंड आवर लीड पेयर्स पड़ोसी बन जाते हैं एक दूसरे के, और यहीं से इस ड्रामा की स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ आवर लीड पेयर मिलते हैं एंड दोनों के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट होने लगती है। बट आवर फीमेल लीड गॉट लिटिल सरप्राइज जब उसे पता चलता है कि उसका न्यू पड़ोसी ही इस पूरी दुनिया में एक अकेला इंसान है जिसके ऊपर उसके सुपर पावर काम नहीं करते हैं, और इसी वजह से आवर फीमेल लीड इस मिस्ट्री मैन की ओर अट्रैक्ट होने लगती है, और साथ ही क्यूरियस है ये जानने के लिए कि वाई हर सुपर पावर नॉट वर्किंग ऑन हिम, और कैसे स्टार्ट होगी दोनों की स्टोरी, और क्या ये दोनों एक दूसरे की सीक्रेट जानने के बाद भी अपने रिलेशनशिप को एक मुकाम दे पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन का आंसर तो आने वाले एपिसोड में ही हमें पता चलेगा, और इसके लिए वी हैव टू वेट टिल द लास्ट एपिसोड। अगर बात करें हम इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की, इसकी यूनिक स्टोरी ही इसकी पहली पॉजिटिव पॉइंट है। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज रियली डिफरेंट, जिस वजह से ये ड्रामा व्यूअर्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट करती है। और सेकेंड प्लस पॉइंट, अगर आपको सस्पेंस ड्रामा देखना पसंद है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस ड्रामा, बिकॉज इसमें फर्स्ट एपिसोड से ही मिस्ट्री सस्पेंस को दिखाया गया है। लाइक पास्ट ऑफ आवर मेन लीड, मर्डर मिस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री का ब्लैक साइड, पावर, मनी, सबका मिक्सर है इस ड्रामा में विद द रोम कॉम प्लॉट। और लास्ट प्लस पॉइंट की बात करूँ तो इसकी कास्टिंग बढ़िया है। अभी तक जितने एपिसोड मैंने देखे हैं, सभी एक्टर की परफॉर्मेंस मुझे बढ़िया लगी, और लीड पीयर्स की केमिस्ट्री अभी इतना दिखाया गया नहीं है क्योंकि स्टोरी अभी बिल्डअप हो ही रही है। आने वाले एपिसोड में हो सकता है हमें दोनों के बीच में स्वीट स्टोरी और केमिस्ट्री देखने को मिले, बट अभी जितना भी दिखाया गया है दोनों की केमिस्ट्री ओके है और दोनों साथ में क्यूट दिख रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो एपिसोड की लेंथ लंबी है, विच इज़ अननेसेसरी आई गेस, जो कि है 1 hour समथिंग एवरी एपिसोड। मेरे अकॉर्डिंग एपिसोड की लेंथ थोड़ी कम हो सकती थी, बट इट्स ओके बिकॉज अभी तो स्टोरी बिल्डअप हो ही रही है तो इतनी बोरिंग नहीं लगती। बाकी आप कुछ हटके और यूनिक लव स्टोरी देखना चाहते हैं या ढूंढ रहे हो तो ये ड्रामा बिल्कुल आपके लिए है।
और ये आपको निराश नहीं करेगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस ड्रामा का प्लॉट थोड़ा डिफरेंट है जो रिसेंट ड्रामा चल रहे हैं उनसे, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस ड्रामा। पर्सनली तो मुझे इस ड्रामा की स्टार्टिंग बढ़िया लगी और रेटिंग भी इस ड्रामा की काफ़ी सही है, जो कि है 8.2। और आप इस ड्रामा को विकी ऐप में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस ड्रामा को ड्रामा कुल या माई एशियन टीवी जैसे वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं विद द इंग्लिश सबटाइटल। बाकी अगर आपने ये ड्रामा ऑलरेडी देखना स्टार्ट कर दिया है तो जस्ट कमेंट योर ओपिनियन, और अगर आपको मेरा रिव्यू थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर लाइक्स एंड कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।